अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करके कोई भी गाड़ी चलाई जाती है, किसी भी ट्रैक पर, चाहे वो बस हो इलेक्ट्रिकल के द्वारा, बिजली के द्वारा चलने वाली, चाहे ट्रेन हो। तो हम मेनली बात करते हैं ट्रेन्स की, ज़्यादातर वही चलते हैं, और ट्राम्स व्राम्स पहले चलते थे जो कि अब नहीं चलते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बिजली के द्वारा ट्रैक पे चलने वाली गाड़ियों का सिस्टम, तो वो कितने प्रकार का होता है? एसी ट्रैक्शन सिस्टम होता है और डीसी ट्रैक्शन सिस्टम होता है। हम जानते हैं कि जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं वो ज़्यादातर कौन सी मोटर इस्तेमाल करती हैं? डीसी सीरीज मोटर इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि डीसी सीरीज मोटर बिना लोड के नहीं चलता, तो रेलगाड़ियों में हमेशा लोड लगा रहता है। तो हम देखते हैं डीसी ट्रैक्शन सिस्टम क्या है। नाम से स्पष्ट है, डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में डीसी सीरीज डीसी ट्रैक्शन यूनिट का इस्तेमाल होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ओवरहेड लाइन होती है जिसमें से करंट फ्लो होता है। तो ओवरहेड लाइन से क्या करता है, ये डीसी करंट लेता है। इससे क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर का सामान्यतः यूज किया जाता है, और ये इसका मोस्ट पॉपुलर वोल्टेज होता है 15 kV डीसी या 30 kV डीसी होता है। ये छोटी दूरियों के लिए किया जाता है। जो डीसी ट्रैक्शन सिस्टम होता है वो छोटी दूरियों के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका फिगर क्या है। ये मान लीजिए ये क्या, ये है ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, जो करंट कलेक्टर है, ये करंट लेता है, इसको हम पेंटोग्राफ भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, डीसी ओवरहेड लाइन है, इसमें डीसी करंट फ्लो हो रहा है। अब ये यहाँ से करंट लेगा, हमने देखा है ट्रेन्स में जो ऊपर लगे होती है, ठीक है, ये पंचभुजी आकार का होता है। अब ये यहाँ से करंट लेगा, सीधे मोटर को देगा। मोटर क्या है हमारा, डीसी सीरीज मोटर है। एसी ट्रैक्शन सिस्टम हो चाहे डीसी ट्रैक्शन सिस्टम हो, जो सामान्यतः इस्तेमाल होता है वो क्या है, डीसी सीरीज मोटर इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्ट डीसी है तो हमें इसे कहीं बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटर, मोटर के बाद ये यूनिट है उसकी, जो कि यहाँ पे लगे हुए पहिए, और ये क्या है, नीचे मोटर्स लगे हुए हैं, दो दो मोटर्स हैं इधर। मोटर मोटर कंट्रोल है, ये मोटर लगे हुए हैं जो मोटर रन कर रहे हैं, ठीक है। तो लाभ क्या है, ये भारी ट्रेनों के लिए क्या है, फ्रीक्वेंटली तुरंत गति पाने के लिए क्या है कि उपयोगी होता है। कम ऊर्जा खपत होती है, सस्ता होता है, और इसमें क्या है, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस नहीं होता। कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस क्या होता है कि कम्युनिकेशन एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर दूसरी फ्रीक्वेंसी का लग जाना, जिससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन एरर आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस कहते हैं। हानि क्या है कि यह केवल छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसी ट्रैक्शन सिस्टम की। एसी ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है कि एसी करंट या एसी वोल्टेज पर काम करता है। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल फेज या थ्री फेज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भी 25 kV एसी वोल्ट फ्रिक्वेंसी या 25 kV एसी 60 Hz पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका फिगर हम समझते हैं पहले। ये एसी ओवरहेड लाइन है, एसी ओवरहेड लाइन से क्या होगा, पेंटोग्राफ ये लगा होगा, इसको क्या कहते हैं, करंट कलेक्टर भी कहते हैं। ये क्या है, करंट कलेक्टर, करंट कलेक्टर या धारा संग्राहक, धारा संग्राहक है। यहाँ एसी से धारा लेगा, ये क्या करेगा, ट्रांसफार्मर को देगा। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको स्टेप अप करेगा या जितना भी होगा स्टेप डाउन करेगा, उस हिसाब से हम इस ट्रांसफार्मर लगाएंगे। फिर क्या होगा, रेक्टिफायर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सामान्यतः मोटर कौन से इस्तेमाल करते हैं, डीसी सीरीज मोटर इस्तेमाल करते हैं। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में चेंज कर देगा, और ये हमारी क्या होंगे, मोटर्स लगी होंगी, मोटर कंट्रोल होंगी, और ये क्या करेगा, रन करने लगेगा। तो ये हमारी रेलगाड़ी जो होगी चलने लगेगी। ये पूरा क्या है, एसी ट्रैक्शन सिस्टम का है। अब इसका लाभ क्या है, लंबी दूरी में इस्तेमाल होता है, ओवरऑल कास्ट क्या होती, कम होती है, सपोर्ट स्ट्रक्चर को कम किया जा सकता है। हानियाँ क्या है, ऊर्जा खपत ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, और ये क्या होती है, भारी होती है। ये हो गया हमारा एसी ट्रैक्शन सिस्टम। कुछ नहीं करना है, फिगर बनाना है, एसी ओवरहेड लाइन करना है, पेंटोग्राफ बनाना है, फिर ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, मोटर। इस एसी में बनेगा, डीसी में नहीं बनेगा, क्योंकि डीसी में डायरेक्ट डीसी लाइन्स होती है, तो हम डायरेक्ट डीसी सीरीज मोटर लगा होता है, डीसी सीरीज मोटर इस्तेमाल करते हैं। इतना ध्यान रहे, मोटर जो इस्तेमाल होती हैं ट्रैक्शन सिस्टम में कौन सी होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है सामान्यतः, ठीक है, क्योंकि वह बिना लोड के स्टार्ट नहीं हो सकती, नहीं करना चाहिए उनको, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा लोड लगा रहता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम कि ट्रैक्शन सिस्टम या ट्रैक विद्युतीकरण के सहायक उपकरण, ट्रैक विद्युतीकरण के सहायक उपकरण, मतलब जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं इलेक्ट्रिकल से, उसमें क्या क्या उपकरण लगे होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, इम्पॉर्टेंट है,
तो अगले वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे।